आज का जो हमारा टॉपिक है दट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ जी आई इंट्रोडक्शन ऑफ़ जी में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे सबसे पहले हमें जी का ओवरव्यू लेना है कि आखिरकार जी है क्या उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होंगी दूसरी चीज़ तो हमें पढ़नी है कि डेवलपमेंट ऑफ जी जिसमें हमें मालूम करना है कि जी आया कहाँ से ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं एम्ब्रोलॉजिकली जो उसकी डेवलपमेंट में हमारी मदद कर रहे हैं तीसरी चीज़ हमें पढ़नी होगी कि हमें उसके बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे जो हमारे लिए आगे फायदेमंद रहेंगे ये तीन चीज़ें जो हैं इसी वीडियो में मैं कवर करवाऊँगा एंड थ्री वुड बी द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस वीडियो अब ओवर यू ऑफ जी में हमें देखना है कि सबसे पहले जी है क्या जी एक पाथवे एक ट्रैक्ट है जो शुरू होता है माउथ से और एंड होता है इनज़ पर ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है तो उसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं ठीक है अब फूड जो होगा वो हमारा एंटर होगा माउथ से और एग्ज़िट होगा इन से उन दोनों के दरमियान जितना भी फासला फूड ने तय किया है सारे को हम जी बोलेंगे तो शुरू ऑब्वियसली वो माउथ से शुरू होगा अब लेवलिंग पर आ जाते हैं उसके ऑर्गन्स पर आ जाते हैं तो शुरू वो माउथ से हो रहा है माउथ औरल कैविटी वगैरह फिर माउथ उसको पास ऑन करेगा इंटू दी फैरिंग्स फैरिंग्स की मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं मल्टीपल हिस्से होते हैं फैरिंग्स के जो माउथ से रिलेटेड होता है उसे हम ओरो फेरिंग्स कहते हैं फिर फेयरिंग्स के बाद फूड पास ऑन होता है इन टू दिस ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो फेरिंग्स को हमारे नेक्स्ट ऑर्गन से कनेक्ट करता है नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टमक कहते हैं ये स्टमक स्टमक में खाना काफ़ी हद तक टू टू थ्री आवर्स तक रहता है फिर वो एक पेस्ट लाइक काइम की शक्ल में तब्दील हो जाता है फिर वो पास आउट होता है इनटू दी स्मॉल इंटस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री के तीन हिस्से होते हैं पहला पार्ट ड्यूनम दूसरा जोजनम, एंड देन तीसरा इलियम। यहाँ से एब्जॉर्पन शुरू हो जाती है स्मॉल इंटस्ट्री से जब एब्जॉर्ब होता हुआ चलता जाएगा फूड इट वाइनली एंटर्स लार्ज इंटस्ट्री लार्ज इन में वो सबसे पहले सीकम में एंटर होगा फिर वो असेंड करेगा इनटू दी असेंडिंग कोलन, फिर वो ट्रांसवर्सली मूव करता हुआ जाएगा राइट right से लेफ्ट की तरफ इनटू इन द ट्रांसवर्स कोलन, फिर वो नीचे की तरफ आएगा पेल्विस तक पहुंच जाएगा इन डिसेंडिंग कॉलोन और जैसे ही वो पेल्विस में पहुंचेगा It will enter the colon, जिसका एस शेप है तो हम बोलते हैं। कोल कोलन इसको पास कर देगा इंटू दैन वो मूव ऑन हो जाएगा इन्फॉर्मो इज हो जाएगा इन्फॉर्मोफी थ्रू दीक है तो ये हमारे पार्ट्स आगे जी आई टी के ये तो वो पार्ट है जिससे टच हो रहा है फूड कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जैसे फूड टच नहीं हो रहा होता लेकिन वो डाइजेशन में मदद करते हैं ऐसे पार्ट्स को हम बोलते हैं एक्सेसरी पार्ट्स ऑफ द जी आई टी एक्सेसरी का मतलब होता है इजाफी तो ये इजाफी पार्ट्स हैं ऐसे हमारे पास तीन हैं सबसे पहला जो है हमारे पास वो है लिवर लिवर बाइल सिक्रीट करता है बाइल फैट की एब्जॉर्बशन में हमारी बहुत मदद करता है तो लिवर सबसे पहला ऑर्गन आ गया हमारा दूसरा लिवर जो हमारा बाइल है वो स्टोर करेगा इन द गोल ब्लैडर तो दूसरा हमारा एक्सेसरी ऑर्गन आ गया गोल ब्लैडर एंड देन फाइनली तीसरा जो है वो है हमारा पेंक्रियास ये तीनों के तीनों ड्यूटनम में ओपन होते हैं मिडल ऑफ द ड्यूटनम में ओपन हो रहे हैं ठीक है अब हमने डिस्कस किए शुरू से लेकर एंड तक सारे ऑर्गन्स ऑफ जी टी हमने डिस्कस किए जी की डेफिनेशन डिस्कस की एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ़ जी भी हमने डिस्कस कर दी उनको एक्सेसरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हो क्योंकि वो सिकेशन कर रहे हैं ठीक है ये हो गया हमारा ओवर रिव्यू ऑफ जी कंप्लीट टी कम्प्लीट और तब डेवलपमेंट ऑफ जी डिस्कस करने जा रहे हैं हमें किसी भी ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं हमें थर्ड वीक से शुरुआत करनी पड़ती है क्योंकि थर्ड वीक की वो पीरियड है जहाँ से ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाती है तो मैंने लेबलिंग करके डायग्राम बनाया देख लेते हैं हमारे पास तीन जर्म लेयर्स हैं आउटर मोस्ट एक्टोडम इनर मोस्ट एंडोडम उन दोनों के बीच में सैंडविच म्यूज़ोडम म्यूज़ोडम के तीन हिस्से हैं एक जो नोटोकॉट के बिल्कुल साइड में है पारगजल म्यूज़ोरम उसके बाद इंटरमीडिएट म्यूज़ोरियम फिर प्लेट म्यूजोरियम जिसके फिर दो हिस्से हो जाते हैं एक एक्टोडम की तरफ सोमेटिक एंड देन एक एंडोडम की तरफ विसरल इसके अलावा हमारे पास दो कैविटीज़ हैं एक एमनियोटिक कैविटी है जो एक्टोडम के ऊपर है और फिर एक सैक है जो एंडोडम के नीचे है अब क्या होगा अब होगी लेटरल फोल्डिंग लेटरल फोल्डिंग में क्या होगा कि एक्टोडम का जो हिस्सा है आउटर मोस्ट वो एक्टोडम के साथ ही होगा जॉइन हो जाएगा ऐसे करके और यह अकेला नहीं होगा एमनियोटिक कैविटी को भी साथ ही लेता हुआ योकसेक, योकसेक है योग सैक एंडोडम है वो भी ऐसे ज्वाइन हो जाएगा आपस में एंड आप एं देन जो मीजोडम है वो भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे विसरल लेड विसरल के साथ होगी एंड देन जो सोमेटिक है सोमेटिक के साथ हो जाएगी ऐसे करके कुछ ठीक है अब होगा कुछ यूँ की जो योक सैक है उसूलन तो इसको एंडोडम के अंदर आ जाना चाहिए तो लेकिन होता ही यूँ है कि वो पूरा नहीं आ सकता तो फिर इसको योग से कम बाहर फेंक देते हैं और फिर इसके साथ एक कनेक्शन डेवलप हो जाती है उस कनेक्शन को हम वाइट लाइन डॉक्टर बोलते हैं तो अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाऊँ तो ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होगी एक्टोडम की फिर हमारे पास ये बिलफर्सारेक्न मीजोडम है इंटरमीडिएट लेटरल प्लेट म्यूज़ोरम दोनों साइडों की ठीक है दिस्ट्रल दिस्ट्रल के साथ मिली और सोमेटिक सोमेटिक के साथ मिली और फिर ये हमारा एंड्रोडम एंड्रोडम की फिर कनेक्शन डेवलप होगी जिसका नाम है वाइट लाइन इंडक्ट किसके साथ योक्सैक के साथ और इस पूरे को सराउंड कर रही होगी हमारी एमियोटिक कैविटी योक्सैक को इतना नहीं लेकिन खासकर हमारे एम्ब्रियो को ठीक है ये तो हमारा आ गया ट्रांसफर सेक्शन यानी ट्रांसफर सेक्शन में काट कर देखा कि इनकी जर्म लेर्स की क्या बनी अब इसमें एक बात जानने की ये कि जो एंडोडर्म है ये जो ट्यूब बना एंडोडर्म का ये हमारी एपीथीलियम बनाएगा हमारे जी टी की जी टी में चार लेयर्स होती हैं म्यूकोजा इनर मोस्ट होती है जिसमें एपीथीलीम होती है सब म्यूकोजा होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है मस्कुलर्स एक्सटर्ना होती है जिसमें मस्कुलर लेयर होती है एंड फाइनली एडवेंटिशिया एडवेंटेशरोजा जो आउटर कवरिंग है उसकी वो बनाएगी इन चारों में से म्यूकोजा का एपीथीलियम वाला हिस्सा म्यूकोजा में दो और हिस्से भी हैं एपीथीलीम वाला ऐसा एंडोडम बनाएगा बाकी जितना भी हिस्सा है वो लेट्रल प्लेट म्यूजोरम की विसरल लेयर बनाएगी तो फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेकर एडवेंटिशिया तक सिरोजा तक ये सारी चीज़ें लेट्रल प्लेट म्यूजोरियम की विसरल लेयर बना रही है सिर्फ एपीथीलियम है इनर लाइनिंग है वो एंडोडम बना रही है ठीक है अब आ जाते हैं हमने सजाइटल सेक्शन देखते पूरा गट ट्यूब देखते हैं तो गट ट्यूब हमने मालूम है हमें पहले ही के दो ओपनिंग्स होती हैं कटिप के सवाल ये उठता है कि दो ओपनिंग्स बनी कैसे ये बनी इस तरीके से कि तीन लेयर्स होती हैं है हमें मालूम है एक्टोडम एंडोडम उन्होंने बीच में मीज़ोडम अब जो मीज़ोडम है वो कनेक्टिव टिशू की लेयर अक्सर बनाता है सपोर्टिव टिशू की लेयर अक्सर बनाता है बिल्फर्स की मीज़ोडम बनना हटा दे तो जो 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 एक्टोडम एंडोडम है वो दोनों मिलकर रप्चर हो जाएंगी क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी तो जब वो रप्चर हुई तो ओपनिंग्स बन जाएंगी ट्रेने लिए एक ओपनिंग बनेगी उसको हम बोलेंगे बक्ो फेरेंशियल मेम्ब्रेन ठीक है ये फ्यूचर का माउथ बनाएगी और जो कैड्रली ओपनिंग हुई उसको हम बोलेंगे क्लोइकल मेम्ब्रेन जो फ्यूचर का एनस भी बनाएगी एंड एन फ्यूचर का यूरोजेनाइटल सिस्टम में जूरीस्ट्रा ब्लैडर वगैरह यही बनाएगा सही है अब बात ये आती है कि ये पूरा गट ट्यूब है अगर तो इसमें अब हमें दूसरे सिस्टम्स भी डेवलप करवानी क्योंकि एंट्री और एग्जिट के कोई और रास्ते हैं ही नहीं तो यहाँ से फिर डायवर्टी कलम्स निकलेंगे एक्सटेंशन निकलेंगे इसी गट ट्यूब की जो दूसरे सिस्टम्स डेवलप करवाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा निकलता है वो निकलता है हमारा रेस्पारेटरी डायवर्टिकलम जिससे फिर लंग डेवलप होगा ब्रों का वगैरह जो भी फिर जो हमारे सेकेंड दूसरे हिस्सा निकलेगा वो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स का डायबिकल निकलेगा जैस जी आई टी के एक्सेसरी ग्लैंड से कौन कौन से लिवर का एक पेंक्रियास के दो एक आगे की तरफ जिसको हम बोलेंगे वेंट्रल पेंक्रियाटिक जो एक पीछे की तरफ डोसल पेंक्रियाटिक यह एक आ गया हमारे और फिर एक क्लोएका के सामने बनेगा जो यूरोजेनाइटल के लिए होगा उसका हम नाम रखते हैं एलन टोइस जो फ्यूचर में बनाएगा जो भी बनाना है सब खैर तो ये हमारी अब आ गई गट गट्टी। ट्यूब अब गट ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हमने डिवाइड कर दिए पहला हिस्सा जो है वो माउथ से लेकर या वको फेरेंजल मेमरी से लेकर अगर मैं कर लूँ रेस्पाइटी डायबेटिकलम तक ये जितना ऐसा है इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल गट ठीक है उसके बाद रेस्पाइटी डायबेटिकलम से लेकर हमारा हेपेटिक डायबेटिकलम तक हेपेटिक बर्ड तक आ जाता है हमारा फोर गट फोरग्रेड हिस्सा है एबडामिन का प्राइमरीलीसोफेगस एबडामिन का हिस्सा नहीं है उसमें से लेकिन बाकी सारे ऐसे उसको एबडामिन से तो एबडामिनल एरोटा जो है उसकी ब्लड सप्लाई देगी एबडामिनल एयोटा की जो ब्रांच उसको सप्लाई देती है वो है सीलिए आर्टरी ठीक है तो ये कौन सी आर्टरी हुई सीलिए आर्टरी और उसकी या तो डायरेक्ट ब्रांच दे या इनडायरेक्ट ब्रांच दे वो उस पर है लेकिन फोरग्रेड की जितनी भी सप्लाई आएगी सीलिए आर्टरी से आएगी फिर जो हमारा दूसरा है उससे हम बोलते हैं मिडगट वो हेपेटिक डायबेटिकलम के बाद शुरू होता है उसकी जो सप्लाई है ब्लड सप्लाई वो है सुपीरियर सुप्रियमेंट्री काटी से तो ये हेपेटिक डायबेटिकलम से लेकर जितना भी हिस्सा सुपीरियर सुप्रीमट्री काटी ने कवर किया अब उसकी वेरिएशन है ऑब्वियसली कि कि कितना कर सकती है सुपीरियर सुप्रियमेजेंट्रिकाची हर बंदे में अलग होता है तो जितना भी हिस्सा सुपीरियर सुप्रियमेजेंट्रिका ने कवर किया उसे हम मिडगट कह देंगे ठीक है एंड देन फाइनली जहाँ से मिडगट एंड हुआ वहाँ से लेकर क्लोइकल मेमरी या फिर एनल कैनाल तक उसे हम कहते हैं हाइंडगट उसकी फिर जो ब्लड सप्लाई होती है दैट इज़ इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अगर मैं क्विकली बता दूँ कि इनके हिस्से में गट्टूब के डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जा जाते हैं तो फेरिन जल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो हेड एंड नेक का हिस्सा है फोरकट से अगर शुरू करें तो फोर फोरकट में हमारे पास ईसोफेगस आ जाएगा सबसे पहले ठीक है ईसोफेगस आ गया सबसे पहले फिर स्टमक आ जाएगा ड्यूटनम का सेंस आधे से हिस्से डायबिटिकल निकल रहा था तो फिर हमारे ड्यूटनम का हाफ हिस्सा आ जाएगा उसके अलावा लिवर आ जाएगी एंड पेंक्रियाज का भी थोड़ा सा ऐसा ये सारा फोर गट है फिर वहाँ से डिडनम से लेकर जो अदर हाफ ऑफ ड्यूडनम है वहाँ से लेकर ट्रांसफर्स्कोलॉन तक अब वेरिएशन है ट्रांसफर्स्कोलॉन कितना ट्रांसफर्स्कोलॉन आधा भी हो सकता है टू थर्ड्स भी हो सकता है ठीक है वेरिएशन है उससे हम कहेंगे मिड गट अब उसमें ड्यूडनम आ गया जर्जनम आ गया इलियम आ गया सीकम आ गया असेंडिंग कोलन आ गया ट्रांसर्स कोलन का काफ़ी हद तक ऐसा आ गया फिर ट्रांसर्स कोलन ऑनवर्ड्स अप दी दिनल कैनाल ये हमारा हो जाएगा हाइन गट ठीक है अब हमने डेवलपमेंट ऑफ जी टी की इधर हमने थर्ड वीक से शुरू किया हमने उसकी लेटरल फोल्डिंग करवाई लेटरल फोल्डिंग के बाद हमारा गट ट्यूब बना हमने देखा कि गट्टूब के कौन कौन से डेरेवेटिव्स हैं मतलब कि एंडोडम क्या बना रहा है और मिज़ोडम उसका क्या बना रहा है एंडोडम ने एपीथील लाइनिंग बनाई थी मिजोरम ने बाकी जितना भी हिस्सा है वो बना दिया था ठीक है फिर हमने गट ट्यूब को लिया इन इट्स ऑल इंटायरटी हमने दो मेम्ब्रेन देखी बकोफेरेंजल मेम्बर जो माउस बना रही है क्लोइकल मेब्रेन जो एनल के नाल भी बने एनस भी बनाएगी और यूरोजेनाइटल सिस्टम में भी मदद करेगी फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट डायबिकलम्स निकाले रेस्पिरेटरी डायबेटिकलम हेपेटिक डायबेटिकलम बेंक्रियाटिक डायवर्टिकलम बर्ड्स भी बोल सकते हो डायवर्टिकलम भी बोल सकते हो एलेंटोइ ठीक है फिर हमने गट ट्यूब की डिवीजन करवा दी और डिवाइडेड हिस्सों को फिर हमने आर्टरीज भी दे दी सीलिय आर्ट्री गट की सप्लाई मिड गट की सप्लाई सुप्रियम वेजेंट्रिक आर्ट्री एंड देन हाइंड गट की सप्लाई इन्फ्रियम वेजेंट्रिक आर्टरी फिर हमने उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी हमने लिस्ट डाउन कर लिए कि कौन कौन से ऑर्गन किस किस हिस्से से बिलोंग करते हैं ठीक है दैट वॉज ऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी ये जो हमारे टर्म है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब वो है मेजेंट्री अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेजेंट्री बनी कैसे कैसे बनी ये हमारे पास इंड्रोडोनल गट ट्यूब है ये विस्ट्रल लेयर ऑफ लेटरल पेड मिजोरम आ गई ये हमारे पास इंड्रोडोनिक सीलोम आ गई जिसको अभी यहाँ पर हम पेरिटोनियल कैविटी बोल सकते हैं ठीक है अब होवेगा यूँ कि गट ट्यूब को ग्रो करना है गट ट्यूब ग्रो करेगा तो वेंट्रली मूव करेगा जब गट ट्यूब वेंट्रली मूव कर रहा है अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूँ और वेंट्रली प्लेस कर दूँ यहाँ पर तो ये अपने साथ लेयर मिजोरम को भी लेता हुआ आएगा ऐसे तो एक पाथवे क्रिएट हो जाएगा टनल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा इस टनल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है मिजेंट्री अब सिंस ये कनेक्ट कर रहा है इस ऑर्गन को डोर्सल बॉडी वॉल के साथ तो हम इसको डोरसल मेजेंट्री भी कह सकते हैं ठीक है ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई चीज वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट करें तो उसको वेंट्रल मेजेंट्री भी बोल सकते हो सही है तो मेजेंट्री की डेफिनेशन क्या हुई टू फोल्ड्स ऑफ विस्ट्रल पेरिटोनियम है जो कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी पार्ट ऑफ गट ट्यूब को पोस्ट्रिया बॉडी वॉल या डोरसल बॉडी वॉल के साथ सही है अब आ जाते हैं कि ये जो पार्ट है इसका ये ये इसकी शुरुआत है तो इसे हम कहते हैं रूट ऑफ मजरी सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या आती ज़रूरत इसकी ये है कि हमारे पास डॉर्सल बॉडी वॉल में स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे एआटा आ गई केवा आ गई नर्व्स आ गई न्यूरल क्रेस्टल भी डोर्सल बॉडी वॉल से ही आते हैं तो उनको माइग्रेट माइग्रेटर आधा नहीं लेकिन उनकी ब्रांचेस लेकर मेजेंट्री के थ्रू ही बंदा आएगा ताकि गट्टियों को सप्लाई कर सके तो जो ब्रांचेस आर्टरीज हैं वेन्स हैंटिक्स वो मेजनट्री के थ्रू ही ट्रैवल करती हुई जाती हैं और पहुँचती हैं ऑर्गन की तरफ ठीक है ये अब हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा अभी मैं इसको मिटाऊंगा फिर हम एक इसका सजाइटल सेक्शन भी देखेंगे जिसमें हम को डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देंगे अब हमने सजाइटल सेक्शन लिया है सजाइटल सेक्शन में ये हम डायफ्राम है ये अब डोमिनल लेटा है ये पूरा गट ट्यूब है और ये गट ट्यूब की कनेक्शन बनाई है मैंने व्हाइट लाइन डग के साथ ठीक है ये एंटीयर साइड है ये पोस्टियर साइड अब होता कुछ यूँ कि के पेरीटोनियल कैविटी या मिजेंट्री जो है वो थोड़ा के नीचे की बात मतलब कि डायफ्राम से नीचे कैडुअली पेरिटोनियम एग्जिस्ट करेगी उसके क्रीनियली नहीं एग्जिस्ट करेगी पहले थोड़ी सी कटती थी ईसोफेगस की अपनी लेकिन वो फिर ख़ुद ही डायफ्राम की डेवलपमेंट में यूज़ हो गई तो फिर उसका अब हम जिक्र नहीं करते सही है अब देखने को मिल रहा है कि मेजेंट्रियाँ दो हैं एक डॉर्सल मेजेंट्री है एक मैंटल मेजेंट्री है डॉर्सल मेजेंट्री पहले तो थ्रू आउट होती थी डायफ्राम की डेवलपमेंट से पहले थ्रू आउट द बॉडी डॉर्सल मेजेंट्री मौजूद थी लेकिन सिंस ईसोफेगस की हमने यूज़ कर ली डायफ्राम की डेवलपमेंट के बाद तो फिर वो बस यहाँ तक स्टमक से रहेगी उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स को मिलेगी लेकिन उससे पहले ईसोफेगस को नहीं मिलेगी ठीक है वेंट्रल मेजेंट्री जो है वो डायफ्राम के नीचे से लेकर वाइटलाइन डक्ट वहाँ तक होगी उसके बाद नहीं होगी तो फिर कुछ ऑर्गन ही होंगे जिनको वेंट्रल मेजेंट्री मिलेगी ठीक है अब आ जाते हैं इस बात पर कि एबडाम लेटा है हमारी एबडामना लेटा की तीन ब्रांचेज हैं जो गट्टियों को सप्लाई कर रही हैं जो हमने डिस्कस की थी एक सीलिएक ट्रंक दूसरी सुपियमट्री आर्टरी आर्टी इन तीसरी इंफीरियर वेजेंट्री काटी इन आरटीओ ने डिवाइड कर दिया है डॉर्सल मेजेंट्री को इवन एंट्रल मेजेंट्री को भी वो देखेंगे हम चार हिस्सों में सबसे पहला ऐसा जो सीलिय ट्रंक के ऊपर है ऐसे हम कहते हैं मीजो गैस्ट्रियम मतलब स्टमक मेजेंट्री। फिर जो दूसरा ऐसा है सीलेक और सुपियमजेंट्री के बीच में इसे हम कहते हैं मीजो ड्यूडनम सही है उसके बाद आ गया सुपीरियर मेजेंट्री काट्रीज के बीच में ये है हमारी मेजेंट्री प्रॉपर ये स्मॉल इंटेस्टिन की मेजेंट्री है सही है और फिर फाइनली हमारी जो लार्ज इंटेस्टिन की मेजेंट्री है कोलॉन्स की मेजेंट्री है उसे हम कहेंगे मीजो कोलोन अब मिजेंट्री प्रॉपर मीज़ोकोल की कोई वेंट्रल काउंटर पार्ट नहीं होता लेकिन मीज़ोड्यूडनम और मीज़ोगेस्ट्रीम का वेंट्रल काउंटर पार्ट मौजूद है ठीक है तो पर हम अब इनको मीजोगेस्ट्रियम और मीज़ोड्यूडियम सिर्फ नहीं कहेंगे हम इनको बोलेंगे डॉर्सल मीज़ोगेस्ट्रियम और डोरसल मीजोड्यूडियम सिमिलरली यहाँ पर भी अगर डिवीजन आ जाए तो ऊपर वाला ऐसा हो जाएगा वेंट्रल मीजोगेस्ट्रियम नीचे वाला ऐसा हो जाएगा वेंट्रल ठीक है अब हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ट्रांसर सेक्शन लिया हमने ट्रांसर सेक्शन में मेजेंट्री की फॉर्मेशन डिस्कस की फिर हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की फिर हमने सचाइटल सेक्शन में मेजेंट्री की डिविजन्स करवा दी बाय द बेसिस ऑफ द आर्टरीज़ चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने मेजेंट्री को मीज़ो गैस्ट्रियम मीजो ड्यूडनम मेजेंट्री प्रॉपर मीजो फिर हमने देखा कि डॉर्सल मेजेंट्री जो है थ्रू आउट द बॉडी हमें मिलती है लेकिन ईसोफेगस की जो थी हमने यूज़ करवा दी डायफ्राम की डेवलपमेंट में तो वो हम नहीं देख पा रहे अभी बाकी वेंट्रल मेजेंट्री जो है वो अपिल वाइट लाइन डक मिलेगी हमें उसके बाद हमें नहीं मिलेगी ठीक है दैट ऑज ऑल फॉर मेजेंट्री करने जा रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है इंट्रापेरिटोनियल और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होता तो कुछ यूँ हैं कि हमें मालूम है कि जो गट ट्यूब था वो आगे मूव कर गया था इन टू पेरिटोनियल कैविटी जब इसने आगे मूव किया तो इसकी मेजेंट्री बनी इस दफा डॉसल मेजेंट्री बना रहा हूँ मैंटल नहीं बना रहा ठीक है तो ये इसकी रूट ऑफ मेजेंट्री आ गई यहाँ से फिर स्ट्रक्चर्स पास हो सकते हैं टू तो सप्लाई दी गट ट्यूब अब ये जो गट ट्यूब का हिस्सा है ये विद इन दी पेरिटोनियल कैविटी लाइक कर रहा है तो इस हिस्से को हम बोलेंगे इंट्रा पेरिटोनियल ठीक है क्यों पेरीटोनियल कैटी में अंदर है वो तो उसको हम बोल सकते हैं इंट्रा पेरिटोनियल अब आ जाते हैं रेटोपेरिटोनियल ऑर्गन सॉरी रेटोपेरिटोनियल ऐसे ऑर्गन होंगे जो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होंगे विल्फर्स यहाँ पर अगर किडनी पड़ी हुई है ऐसे तो ये रेटोपेरीटोनियल ऑर्गन हो गई ठीक है अब बात आती है रेटोपेटोनल ऑर्गन के भी दो हिस्से होते दो किस्म होते हैं एक आते हैं प्राइमरी रेटोपेरिटोनियल दूसरे आते हैं सेकेंड्री रेटोपेटोनियल विल्फर्स जैसे किडनी है तो ये प्राइमरी डेट्रोपेटोन क्योंकि शुरुआत से ही एम्ब्रियोलॉजिकली ये इसका कोई ताल्लुक नहीं था इंट्रापेरिटोनियल ये नहीं थी लेकिन बिल्फर्स ये गट्यूब का हिस्सा है ऐसे अगर मैं इसको मूव करवा दूं यहाँ से मिटाकर बिल्फर्स अगर मैं ऐसे इसको मूव करवा दूं जो मैंने मूव करवाया अभी भी इसकी मेजेंट्री है अभी भी ये इंट्रोपेरीटोनियल है लेकिन अगर मैं इसका ये हिस्सा रिमूव कर दूँ ऐसे डिजनरेट करवा दूँ कुछ यूँ अभी ऑर्गन जो है ये टेटोपैरेटोनियल हो गया ठीक है ये ऑर्गन टेटोपेरीटोनियल क्योंकि अब इसकी मेजेंट्री नहीं रही बाहर हो गया बिहाइंड द पेरिटोनियम हो गया ये तो ऐसे ऑर्गन को हम बोलेंगे सेकेंडरी रेटोपेरिटोनियल क्योंकि ये पहले इंट्रापेरिटोनियल था बाद में जाकर एमरोलॉजिकली किसी भी चेंज की वजह से ये रेट्रोपेरिटोनियल हो गया ठीक है जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो या तो इंट्रापेरिटोनियल होंगे या तो सेकेंडरी रेटोपेरिटोनियल होंगे प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जी का हिस्सा नहीं होता दूसरे ऑर्गन हो सकते हैं लेकिन नॉट जी आई टी का हिस्सा तो अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑफ पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन उसमें हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स और स्पेसिस का हमने लेटरल फोल्डिंग के बाद कुछ जीव बनाया था कि एंटरडोल में गट ट्यूब था जब वो फॉरवर्ड मूव कर कर गया था तो उस अपने साथ वो एक विस्टल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट म्यूजम को भी साथ लेकर गया था तो उसने फॉर्म की थी एक मेजेंट्री सिंस यजेंट्री पोस्टीरियर एबडामल वॉल या पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ उसको कनेक्ट कर रही थी तो इसका हमने नाम रख दिया था डॉर्सल मेजेंट्री अब क्या होगा सिंस ये डेवलप होता हुआ जाएगा तो ये डॉर्सल मेजेंट्री अब डॉर्सल मेजेंट्री नहीं रहेगी ये अपना नाम चेंज करती हुई जाएगी डेवलप होती हुई जाएगी तो बिल्फर्स अब क्या होगा कि इसके बीच में अब दूसरे ऑर्गन्स भी होंगे जब दूसरे ऑर्गन्स आ जा जा जाएंगे तो ये कुछ मेजेंट्री का हिस्सा ऐसा होगा जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा होगा बिल्फर्स ये एक ऑर्गन है और दू, दूसरा ऑर्गन है तो मेजेंट्री का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा होगा ये यहाँ पर थिकन हो जाएगा जैसे बोन्स के लिगामेंट होते हैं उसकी तरह ये थिकन हो जाएगा तो हम इनको नाम ही इनका रख देंगे लिगामेंट्स ठीक है ऑल्दो दीज आर नॉट ट्रू लिगामेंट्स तो हम इनको बोलते हैं फॉल्स लिगामेंट्स सही है कंसेप्चुअली अगर देखना है तो पेरिटोनियम का वो वाला हिस्सा जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं लिगामेंट्स ठीक है ऐसे ही लिगामेंट्स कुछ और होते हैं जो स्टमक के साथ ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं बिलफर्स अगर ये स्टमक है और कोई और ऑर्गन है जो स्टमक के साथ कनेक्ट हो रहा है तो अब जो लिगामेंट उसको कनेक्ट करेगा वो लिगामेंट की तरह नहीं होगा वो फैटी होगा थोड़ा सा ठीक है इसको हम कहते हैं ओमेंटम कंसेप्चुअली अगर देखना है ओमेंटम एक ऐसी चीज़ है एक ऐसी पेरीट्रोनल रिफ्लेक्शन है जो स्टमक को किसी ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर रही है सही है अभी हमने लिगामेंट्स और मैंटम बनवा लिए अभी कनेक्ट कर रहे होंगे पेरीट्रोनल कैविटी पूरी में ऑर्गन टू ऑर्गन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे इनके बीच में अब स्पेसेस बन जाती हैं एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिसमें पेरीट्रोनल फ्लूइड मूव कर सकता है अब वो स्पेस या तो छोटी हो तो उस छोटी स्पेस को हम बोल देते हैं रिसेस या फिर उससे थोड़ी सी बड़ी स्पेस हो तो फिर हम उसके बोल देंगे पाउच या फिर उससे भी बड़ी स्पेस हो तो फिर हम उसको बोल देंगे कंपार्टमेंट ठीक है अब ये जो लेगामेंट्स हैं मोमेंटम है ये हम फिर रिसर्सेज हैं स्पेसेस हैं पाउच है कंपार्टमेंट है ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम ऑर्गन टू ऑर्गन उनके पैटर्न रिफ्लेक्शंस के साथ ही कवर करते हुए कंसेप्चुअल पोर्शन को समअप करते हुए हमने शुरू किया था लेटरल फोल्डिंग के साथ जब हमने लेटरल फोल्डिंग की थी तो हमने और फॉर्म किया था एक गट ट्यूब ऑब्वियसली गट ट्यूब अकेला नहीं फॉर्म होता उसके साथ मीजोडम भी फोल्ड हो गया था एक्टोडम भी फोल्ड हो गया था जब वो फोल्ड हुए अब इंडोड्रम को ग्रो करना है गट ट्यूब को ग्रो करना है तो वो फॉरवर्डली मूव हुआ जब मूव हुआ तो उसको आगे मिला अपने मिज़ोडम मिज़ोरम कौन सा वाला विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मिज़ोरम जब आगे की तरफ वो मूव हुआ तो उसको अपने साथ लेता हुआ गया तो एक रास्ता सा बन गया जिसको हमने नाम दिया था मेजेंट्री मेजेंट्री के फिर हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन की थी उसकी डेफिनेशन अगर क्लासिकल डेफिनेशन है मेजेंट्री मिजोरम का वॉल है ऐसा जो पोस्टनल वॉल से कनेक्ट करे किसी भी स्ट्रक्चर को एंडोरॉमल का ट्यूब को कनेक्ट करता थी। है यूजली ठीक है तो फिर अभी हमारी मिजेंट्री की डेफिनेशन आ गई फिर हमने ऑर्गन्स को इन रिलेशन टू देयर पोजिशन विदिटोनियल कैविटी हमने उनको डिवाइड कर दिया था इंटू पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल फिर रेट्रोपेरिटोनियल में दो ऑर्गन से ऐसे ऑर्गन जो स्टार्टिंग से ही रेट्रोपेरिटोनल थे उनका नाम हमने प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल रखा था फिर दूसरे ऐसे ऑर्गन थे जो स्टार्टिंग में तो इंट्रापेरिटोनल थे फिर वापस से पीछे आ गए तो हमने उनका नाम सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल रख दिया फिर फाइनली हमने डिस्कस किए लिगामेंट्स लिगामेंट्स की डेफिनेशन डिस्कस की हमने फिर हमने उसकी किसी कंसेप्चुअल डेफिनेशन भी डिस्कस की कि दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे है पेरिटोनियम का वाला हिस्सा सही है फिर हमने देखा कि ओमेंटम क्या होता है फिर इन लिगामेंट्स और ओमेंटम्स के बीच में स्पेसिस क्रिएट हो गई फिर हमने उनका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ये क्या चीज़ हो सकती है अगर छोटी स्पेस है तो रिसेस नाम रख दिया थोड़ी सी बड़ी स्पेस है तो पाउच नाम रख दिया उसे ज़्यादा बड़ी स्पेस है तो कंपार्टमेंट नाम रख दिया हमने ठीक है ये फिर हम ऐसे 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 इनकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करते हुए चले जाएंगे जब हम ऑर्गन्स कर रहे होंगे